हेलो गाइस, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है 10 नवंबर 2019 और बड़ी खबरों को कवर करते हुए और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ जोड़ते हुए हमारा यह करंट अफेयर का वीडियो तैयार होता है। तो यह वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, अयोध्या भूमि विवाद से जुड़े तीन प्रमुख पक्ष में निम्न में से कौन सा एक पक्ष शामिल नहीं है? तो हाल ही में अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर सदियों से जो विवाद चला आ रहा था उसी का हाल ही में डिसीजन आ गया है। और उसमें कौन कौन से तीन पक्ष शामिल थे? हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम वक्फ बोर्ड। तो इन तीनों इस केस से जुड़ी हुई पार्टियां थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक इसमें शामिल नहीं था, इसीलिए कौन सा एक पक्ष शामिल नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और जब यह डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो कई सारे बयान हमारे सामने आए हैं, तो उसको हम ध्यान में रखें तो सचमुच में हमारा भारत है वो बिन सांप्रदायिक देश कहलाने के लायक है, क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख सैयद जी एच रिजवी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से मुस्लिम समुदाय खुश है। तो दूसरी तरफ हिंदू में देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत ने कहा है कि संघ न्यायालय के फैसले का स्वागत करता है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट सरकार से भी ऊपर है, क्योंकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को यदि हमारी सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफाई कर सकती है, तो यह तो एक सिंपल सा केस था और बड़े ही रोचक तथ्यों के साथ और सबको साथ लेकर यह डिसीजन लिया गया है। इसलिए मैं खास तौर पर यहां मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और इस डिसीजन को हम यहां भाईचारे के रूप में भी देख सकते हैं। तो आप सभी शांति बनाए रखिए और आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने अयोध्या में विवादित भूमि का निपटारा कर दिया? तो हाल ही में जब यह केस सॉल्व हो गया है तो उसमें 5 सदस्यों की खंडपीठ की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की है हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसी के साथ साथ जो हमारे अगले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने वाले हैं वो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े भी इस खंडपीठ में शामिल थे। इसके साथ साथ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और अब्दुल नजीर भी इसमें शामिल थे। तो मैं हाल ही में बता दूं कि 5 कौन-कौन से न्यायाधीश ने यह डिसीजन लिया है। तो एक तो है रंजन गोगोई, यहां आप देख सकते हैं एक नंबर पर है रंजन गोगोई, जिसने इस खंडपीठ की अध्यक्षता की, जो हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इसी के साथ वो अगले आने वाले चीफ जस्टिस के रूप में शरद अरविंद बोबड़े, जो यहां आप 2 नंबर पर देख रहे हैं, वो है शरद अरविंद बोबड़े। और इस खंडपीठ में तीसरे न्यायमूर्ति है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो यहां आप 3रे नंबर पर देख सकते हैं, वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। क्योंकि यह ऐतिहासिक फैसला है और यह हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और इसलिए इन 5 जस्टिसों के बारे में नाम तो आप याद रखिएगा ही। चौथे यहां है अशोक भूषण, तो यहां आप देख सकते हैं 4थे नंबर पर है अशोक भूषण। और इसी के साथ 5वें न्यायमूर्ति इसमें शामिल है अब्दुल नजीर, आप यहां इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पानीपत फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, यह फिल्म पानीपत की किस लड़ाई से जुड़ी हुई है? तो हाल ही में पानीपत का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें अर्जुन कपूर और संजय दत्त ने भूमिका अदा की है। और उसमें यहां आप देख सकते हैं संजय दत्त किस किरदार में नजर आ रहे हैं
और इसी के साथ अर्जुन कपूर ने किसका रोल अदा किया है, तो हाल ही में जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन लिया है। पानीपत का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है वो पानीपत की तीन लड़ाइयों में से तीसरे नंबर की पानीपत की तीसरी लड़ाई से जुड़ा हुआ यह फिल्म है, इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो मैं आपको हिस्ट्री की ओर ले चलता हूं। तो ये देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य सदाशिवराव भाऊ और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान हरियाणा में स्थित पानीपत के मैदान में हुआ था। और उसमें हाल ही में जब अहमद शाह अब्दाली का किरदार निभाया है संजय दत्त ने और सदाशिवा राव भाव का किरदार निभाया है अर्जुन कपूर ने, और यह तीसरी लड़ाई थी। कब तीसरी लड़ाई हुई? 1761 में। तो अन्य पानीपत के दो युद्ध के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पानीपत का पहला युद्ध वर्ष 1526 में खेला गया और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था यह पानीपत की प्रथम लड़ाई में। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमू को अकबर की सेना से हार का सामना करना पड़ा था। तो उसमें अकबर के सेनापतियों की जीत हुई और हेमू की हार हुई। तो इसीलिए आपको मैंने पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में बताया। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? तो और एक बड़ी हमारे सामने खबर आ रही है, क्योंकि 12 नवंबर को हम 550वीं गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, और इसीलिए हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र साहब मोदी ने इस करतारपुर कॉरिडोर का कल ही उद्घाटन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नरेंद्र भाई मोदी। तो हाल ही में इससे जुड़ी कई सारी बातें हमारे सामने है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया तथा भारतीय 500 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को भी रवाना किया, और उस जत्थे में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल तथा नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल है। तो हाल ही में 500 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था करतारपुर जाने के लिए रवाना हो गया है, और यह करतारपुर कॉरिडोर का ओपनिंग किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? तो हर साल भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, यानी कि कल ही मनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और कानूनी सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है 9 नवंबर को, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये देखिए, सभी नागरिकों तक कानूनी सहायता सुनिश्चित करना है तथा समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क व कुशल कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना इस स्पेशल डे मनाने का पर्पज रहा है। तो याद रखिएगा, लीगल सर्विस डे हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई। और यहां जब सभी को निःशुल्क न्याय दिलाने की बात आती है, तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ओर ले चलता हूं। तो हमारे संविधान में, संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का जिक्र किया गया है, और नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें नीति निदेशक तत्व शामिल है। तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है? तो समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। तो हमारे संविधान से जुड़ी यह बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा दिल्ली हाट में शिल्पोत्सव 2019 का आयोजन किया गया? तो आप यहां इमेज में देख सकते हैं, हाल ही में दिल्ली हाट में शिल्पोत्सव 2019 का आयोजन किया गया है हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और इस मंत्रालय की बात आती है, तो इस मंत्रालय के मंत्री कौन है वो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हमारे हैं थावरचंद गहलोत। आप यहां इमेज में देख सकते हैं थावरचंद गहलोत,
और हमारे हाल ही के कैबिनेट मंत्रियों का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो मैं बताऊं, शिल्पोत्सव का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के शिल्पियों को प्रोत्साहन देना है और शिल्पोत्सव 2019 का आयोजन 1 से 15 नवंबर 2019 तक किया जा रहा है, यानी कि हाल ही में दिल्ली हाट में यह शिल्पोत्सव का कार्यक्रम जारी है। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रमाकांत गुंदेचा का निधन हो गया, वे किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े थे? तो हमारे भारतीय संस्कृति यदि आपके सब्जेक्ट में है तो भारतीय संस्कृति का यह क्वेश्चन है। रमाकांत गुंदेचा जिसका हाल ही में निधन हो गया है, तो रमाकांत गुंदेचा एक हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जिसका बहुत ही फेमस नाम है ध्रुपद। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे रमाकांत गुंदेचा, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो मैं यहां हमारे ध्रुपद जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसी के बारे में बताऊं। तो ये देखिए, ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्राचीन श्रेणी है। ध्रुपद दो शब्द ध्रुव प्लस प्लस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है निश्चय, नियम वाला, जो अटल हो तथा नियम में बंधा हुआ हो उसे बोलते हैं ध्रुपद। और इसमें संस्कृत शब्दों का उपयोग किया जाता है और इसका उद्गम मंदिरों में हुआ था। और इस गायन शैली में भक्ति रास, वीर रस, शांत रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। तो मैंने यहां भारतीय संस्कृति के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रायंफ का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में, भारत और अमेरिका के बीच पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास हाल ही में आयोजन किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कब आयोजित किया जा रहा है यह टाइगर ट्रायंफ? तो ये देखिए, टाइगर ट्रंफ के बारे में आपको याद रखना है, आयोजन किया जा रहा है 13 से 21 नवंबर 2019 तक। और मुख्य फोकस क्या रहेगा? मानवीय सहायता एवं आपदा राहत ऑपरेशन पर इस युद्ध अभ्यास का मेन फोकस रहेगा। और यह युद्ध अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा तटों पर आयोजित किया जाएगा। और हाल ही में यह 13 से 21 नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच यह पहला त्रिसेवा अभ्यास है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा मातृत्व मृत्यु दर पर वर्ष 2015 से 17 के आंकड़े जारी किए गए? तो हाल ही में यह आंकड़े हमारे सामने आए हैं और यह मातृत्व मृत्यु दर के आंकड़े जारी किए गए हैं भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यह आंकड़ों में कौन सी बात सामने आई है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बात है। तो ये देखिए, देश में न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर मतलब लोएस्ट MMR में पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और यहां आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि मातृत्व मृत्यु दर मतलब मैटरनल मोर्टालिटी रेट MMR, इससे में मातृत्व मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। तो यहां आप याद रखिएगा, 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म दर पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। और उसमें पहले स्थान पर सबसे कम जिसमें मातृत्व मृत्यु है वो पहले स्थान पर है केरल 46, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 55 और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु 63 पर है। अगला क्वेश्चन, इंजीनियरिंग व कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में इंफोसिस पुरस्कार 2019 किसको प्रदान किया जाएगा? तो हाल ही में इंफोसिस ने यह 2019 के प्राइज की घोषणा कर दी है और उसी में 6 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। और उसमें इंजीनियरिंग व कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में यह पुरस्कार जीत लिया है सुनीता सर्वागी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस पुरस्कार में 24 कैरेट का शुद्ध सोना और इसी के साथ 1 लाख
डॉलर की नकद भी दी जाती है और तकरीबन भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो 72 लाख रुपये, यानी कि कीमत की दृष्टि से यह भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। और इसीलिए हाल ही में यह पुरस्कार के बारे में याद रखें तो 6 श्रेणियों में किन किन को किस श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये देखिए, इंफोसिस विज्ञान फाउंडेशन ने अपनी 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर इंफोसिस पुरस्कार 2019 की घोषणा की, और उसमें भौतिक विज्ञान में गोविंद स्वामी मुगेश, यहां आप इमेज में देख सकते हैं, उसी को पुरस्कार दिया गया है। मानविकी के क्षेत्र में मनु एस देवादेवन को दिया गया है। गणित के क्षेत्र में सिद्धार्थ मिश्रा को दिया गया है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आनंद पांडियन को दिया गया है। और हाल ही में हम जिस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग व कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में सुनीता सर्वागी को यह पुरस्कार दिया गया है। और जीव विज्ञान के क्षेत्र में मंजुला रेड्डी ने यह इंफोसिस पुरस्कार जीत लिया है। तो यह बात आप याद रखेगा। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया? तो हाल ही में दूसरी बार प्रविंद कुमार जगन्नाथ बन गए हैं मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि मॉरिशियस में प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने। तो ये देखिए इमेज में आप, ये है प्रविंद कुमार जगन्नाथ, जिसने हाल ही में मॉरिशियस में हुए प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जीत लिया। तो मॉरिशियस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने अपने देश के साइबर टावर का नाम, याद रखिएगा, मॉरिशियस और भारत के बीच कौन कौन से संबंध के बारे में आपको याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने अपने देश के साइबर टावर का नाम भारत के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी टावर रखने की घोषणा की है। पिछले साल ही यह घोषणा कर दी गई। और साथ साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2018 में मॉरिशियस की राजधानी पोर्ट लुइस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसीलिए यहां आपके सामने मैंने दो इंपोर्टेंट फैक्ट पेश किए हैं, वो भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 14वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो हाल ही में जब यह दोहा में आयोजित की गई है 14वीं एशियाई चैंपियनशिप, और उसमें महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में चाइना की मेंग याओ शी ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, और हाल ही में चाइना की मेंग याओ शी ने जीता है। तो भारत की तेजस्विनी भी कम नहीं है, यानी कि कोई भी मेडल हासिल नहीं किया है, बल्कि उसने टोक्यो के ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई रेशियो था वो उसने सर कर लिया, यानी कि क्वालिफाई टिकट मिल गया है तेजस्विनी को। यानी कि तेजस्विनी सावंत हाल ही में इस तरह के टोक्यो ओलंपिक 2020 में जाने वाली है। तो ये देखिए 14वीं एशिया चैंपियनशिप चीन की मेंग याओ शी ने 457.9 अंक के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, और पूर्व विश्व चैंपियनशिप तेजस्विनी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में पहुंचकर अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों का क्वोटा भी हासिल किया है। तो इसीलिए तेजस्विनी को भी हार्दिक बधाई। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने CST-100 नामक कैप्सूल नुमा अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह साइंटिफिक रिसर्च में सफलता मिली है, तो इस सक्सेस से नाम जुड़ा हुआ है एक एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है बोइंग, जो एक अमरीका की यह एक एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, और उसी ने हाल ही में CST-100 नामक इस कैप्सूल नुमा अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और बोइंग कंपनी ने हाल ही में नासा का भी इसमें सहारा लिया है। तो ये देखिए CST-100 का पूरा नाम क्या है, क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, और विमान की तरह रनवे पर उतरने वाले स्पेस शटल कार्यक्रम यानों के विपरीत यह CST-100 अपने पैराशूट तथा एयरबैग प्रणाली का प्रयोग करके जमीन पर उतरेगा। यह इसकी स्पेशल बात है कि वह एयरबैग प्रणाली का उपयोग करके वो नीचे उतरने वाला है, और किसने यह हाल ही में सक्सेस परीक्षण किया, बोइंग कंपनी अमेरिका की। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष 8 नवंबर को 500
और 1000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा की गई थी। तो हाल ही में 500 और 1000 नोट करेंसी की नोट बंद करने के 3 साल पूर्ण हुए हैं, यानी कि 2016 में यह डिसीजन लिया गया था 8 नवंबर को। इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और 3 साल पहले 500 और 1000 रुपये की करेंसी नोट पर बैन लगा दिया गया था। तो ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अपने ऐतिहासिक संबोधन में 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद किए जाने की घोषणा की थी। और यह क्यों कदम उठाया गया था? तो काले धन को वापस लाने या तो उस पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया था। 15वां क्वेश्चन, भारत में परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में परिवहन दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज ही है 10 नवंबर और आज है परिवहन दिवस, तो हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और हर साल, ये देखिए, भारत में हर वर्ष 10 नवंबर को परिवहन दिवस मतलब ट्रांसपोर्टेशन डे मनाया जाता है। परिवहन दिवस पर लोगों को यातायात के नियमों तथा दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में बताया जाता है, और इसीलिए आज आप याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन डे है। और कल के वीडियो के क्वेश्चन की ओर हम पहुंच गए हैं। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैलेंडर वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले लगातार 3 सालों से 2017, 2018 और 2019 3 सालों में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं हमारे रोहित शर्मा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और सभी को सही आंसर देने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। आज का क्वेश्चन है, 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? और यहां 4 कंट्रीज के नाम दिए हैं, उसी में से आपको चॉइस करना है कि 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, और सही कंट्री का नाम लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, यदि कल का वीडियो आपने देखा है तो आंसर तो पता ही होगा, तो प्लीज फटाफट यहां आप कमेंट में लिखिए। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, लेकिन जाने से पहले आप मेरी विनती एक सुनिए, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।